नमस्ते बच्चों, मेरा नाम पंडित आलोक शर्मा है, गिल्डलेन माध्यमिक से। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ा है प्रकाश के बारे में, सबसे पहली चीज़ प्रकाश क्या है। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तुम एक समझ सकते हो कि सूर्य से निकलने वाली एक प्रकार की किरण है ये, और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है इसे। एक प्रकार की ऊर्जा है, हम प्रकाश किरण भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इसी के अस्तित्व की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं और संवेदना हम कर पाते हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें। हम टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डालेंगे। बहुत मात्रा में प्रकाश परावर्तित होगा। इस दीवार पर क्या परिणाम होगा? थोड़ा सा प्रकाश ही परावर्तित होगा। बचा हुआ प्रकाश दीवार सोख लेगी। अब मैं ये एल्यूमिनियम की फॉइल लेता हूँ। क्या ये दीवार के जैसा बर्ताव करेगी? वो दीवार से ज़्यादा प्रकाश और दर्पण से कम प्रकाश परावर्तित करेगी? वस्तु ने परावर्तित किए हुए प्रकाश की मात्रा और प्रकाश कैसे परावर्तित हुआ है, ये सब पृष्ठभाग की चिकनाई और बनावट पर निर्भर करता है। जब पृष्ठभाग की खामियां आपतित किरण के वेवलेंथ के मुकाबले में छोटी होती है, जैसे कि दर्पण, तब वास्तव में पूर्ण प्रकाश समान प्रमाण में परावर्तित होता है। किंतु सत्य जगत में बहुत वस्तुओं का पृष्ठभाग अनियमित होता है। वो प्रसारित परावर्तन करते हैं, जिससे आपतित प्रकाश सभी दिशाओं में परावर्तित हो। अच्छा ध्यान दो, एक शब्द है प्रकाश जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया, दूसरा शब्द है परावर्तन, चैप्टर के नाम में ही है। पर आवर्तन, दो शब्द हैं यहाँ पर। आप इसको समझिए कि जैसे मैं एक क्रेजी बॉल या फिर एक छोटा प्लास्टिक या रबर का बॉल लेता हूँ, मेरे घर की लादी पे अगर मैं उसको छोड़ूँ एक एक ऊंचाई से, तो तुम देखोगे कि बॉल बाउंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिकनी टाइल्स हैं और पृष्ठभाग समतल है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और किसी खड़बुड़े मैदान पर जब हम उसी बॉल को गिराते हैं, तो वो बॉल गिरने के पश्चात कहाँ जाएगा ये हमें नहीं पता होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको आकृति में दिखाई गई है कि प्रकाश की किरण उस बॉल की तरह है जो एक पृष्ठभाग पर गिर रही है। यहाँ अनियमित मतलब खड़बुड़ा पृष्ठभाग है, और इसलिए प्रकाश कहाँ जाएगी हमें नहीं पता। उसकी दिशा किस ओर होगी वो उसके पृष्ठभाग पर डिपेंड करता है। लेकिन जब समतल पृष्ठभाग होगा तो हम बता सकते हैं कि बॉल किस दिशा में जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर आपको दो अंतर बताए गए कि प्रकाश का एक नियमित पृष्ठभाग से और अनियमित पृष्ठभाग से परावर्तन कैसे होगा। टकरा कर वापस आना या टकरा कर जाना, यही परावर्तन कहलाता है। होता है। अधिकांश चीजें जो हम देखते हैं, जैसे कि लोग, गाड़ियां, घर, प्राणी, पेड़ इत्यादि, स्वयं प्रकाशी नहीं होते हैं, बल्कि वो नैसर्गिक सूर्य प्रकाश को कृत्रिम प्रकाश में परावर्तित करते हैं। अब इस केले का उदाहरण ही ले लो। इस केले का पीला रंग क्यों है? क्योंकि केला पीला रंग छोड़कर सभी रंग का प्रकाश शोषित करता है और केवल पीला प्रकाश परावर्तित करता है। इस पृष्ठ का रंग सफेद क्यों है? ये किसी विशिष्ट रंग का प्रकाश शोषित नहीं करता, बल्कि सारे रंग की तरंग दैर्ध्य को परावर्तित करता है। प्रकाश के परावर्तन को आमतौर पर इससे संबंधित और एक चीज बताता हूँ। किसी ने पूछा कि पत्ते हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो हमें ये कहना है कि हरे पत्ते जो हैं वो हरा कलर छोड़कर बाकी सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और निकालते क्या हैं सिर्फ हरा कलर। तो हमेशा ये याद रखो कि कोई चीज़ जैसी दिख रही है वो ऐसी इसलिए दिख रही है क्योंकि वो अपने अंदर से वैसी लाइट एमिट कर रही है, उत्सर्जित कर रही, निकाल रही है। ठीक। और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गया वाइट पेपर का, वो सारे कलर ले रहा है। जैसे तुम एक चकती लो यानी एक डिस्क ले लो, और जैसे सीडीज होती हैं, एक सीडी ले लो बेकार सी, और उसके ऊपर सातों कलर जो इंद्रधनुष के सात कलर हैं उसको चिटका दो। ठीक।
और उसके बाद उसको गोल आप घुमाओगे तो आपको सफ़ेद कलर दिखेगा। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि जो बाहर नैसर्गिक सूर्य प्रकाश है वो 7 अलग कलर से मिलके बना हुआ है, और हम उसको अलग होते हुए भी देखते हैं। कब? जब तुम देखते हो कि हल्की हल्की बारिश है और धूप भी आ गई है, तो क्या होता है, बारिश की बूंदों से प्रकाश की किरण जाके टकराती है तो वो 7 अलग कलर में बट जाती है। यानी कि प्रकाश की जो यानी किरण है वो 7 रंग के से मिलकर बनी हुई है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इंद्रधनुष की जो घटना है वो इन 7 कलर को अलग कर देती है। या तुमने शायद आगे पढ़ा या तुमने देखा होगा कि प्रिज्म एक ऐसी चीज़ है, जब लाइट उससे पास होती है तो 7 अलग कलर में बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है नियमित परावर्तन को, जो प्रकाश चिकने पृष्ठभाग से एक विशिष्ट कोण में परावर्तित होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रसारित परावर्तन या अनियमित परावर्तन उबड़ खबड़ पृष्ठभाग से होता है, जिसके कारण प्रकाश सभी दिशाओं में परावर्तित होता है। अनियमित परावर्तन के मामले में आपतित समांतर किरण विविध कोणों में परावर्तित होते हैं और समांतर नहीं रहते। टिप्पणी, यहाँ पर नियमित और अनियमित परावर्तन के लिए चित्र बनाओ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नियमित परावर्तन से ज़्यादा हमें अनियमित परावर्तन का अनुभव करना पड़ता है। जब प्रकाश किरण दीवार, लकड़ी, पेड़ का पत्ता, लेदर का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, ऊन का भाग, ऐसे अनियमित पृष्ठभागों पर आपतित होते हैं, तब अनियमित या प्रसारित परावर्तन होता है। विभाग के विविध हिस्से विविध दिशा में आपतित किरणों का परावर्तन करते हैं। नियमित और प्रसारित परावर्तन के अंतर को दृष्टिगत करने के लिए 2 बहुत ही अलग पृष्ठभाग लीजिए। जब प्लेन एल्यूमिनियम फॉइल पर प्रकाश आपतित होता है तब वो आपतित कोण के समान कोण में ही परावर्तित होता है। यदि यही फॉइल मसल दी जाए और उसका पृष्ठभाग उबड़ खबड़ किया जाए तो प्रकाश सभी दिशाओं में परावर्तित होगा। नियमित और अनियमित परावर्तन के अंतर का प्रयोग छाया चित्रण के क्षेत्र में भी किया जाता है। शांत पानी छाया चित्र के विषय वस्तु से नियमित परावर्तन प्रदान करता है। वस्तु से प्रकाश सीधे लेंस में जा सकता है या फिर वो लंबा मार्ग लेकर पानी से परावर्तित होकर लेंस तक जा सकता है, जबकि पानी से परावर्तित होने वाला प्रकाश नियमित परावर्तन का अनुभव करता है। इसलिए आपतित किरण प्रसारित होने के बजाय केंद्रित रहते हैं, इसलिए प्रकाश कैमरा के लेंस तक पहुंचने के लिए और प्रतिमा तैयार होने के लिए कार्यक्षम रहता है, जो वस्तु की सटीक प्रतिकृति होती है। पॉलिश की गई धातु की गेंद नियमित परावर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जबकि ये रबर बॉल प्रसारित अथवा नियमित परावर्तन का उदाहरण है। शायद नियमित परावर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण हमारे घर का दर्पण हो सकता है। बहुत से लोग घंटों तक इसके सामने अपने रूप को देखते रहते हैं। दर्पण का चिकना परावर्तीय पृष्ठभाग काल्पनिक प्रतिमा दिखाता है, जो परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण आंखों में जाने के कारण बनती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि नियमित और अनियमित पृष्ठभाग क्या होता है। नियमित पृष्ठभाग यानी जो हमारे घर में आईना है जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं वो, और अनियमित पृष्ठभाग अगर मैं कहूँ तो अभी जो तुमने देखा होगा कि एल्युमिनियम फॉइल को टेढ़ा मेढ़ा करके रखा गया तो वो एक अनियमित पृष्ठभाग था। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को आगे। ये आपके 8वीं कक्षा का कुछ था जो आपने देखा, हमारा 11वां पाठ प्रकाश का परावर्तन। हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसमें देखने वाले हैं गोलीय दर्पण, जिसमें आते हैं उत्तल और अवतल दर्पण। आपने इसके पहले पढ़ा होगा समतल दर्पण, जो आपके घर में शीशा है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं वह समतल दर्पण है, जो कि गोलीय दर्पण से काफ़ी अलग होता है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह देखेंगे, हम कुछ परिभाषाएँ देखेंगे, परावर्तन के नियम देखेंगे, और अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं वो कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं।
क्या होता है गोलीय दर्पण? समतल दर्पण के अतिरिक्त यानी समतल दर्पण ऐसे भी दर्पण होते हैं जिनके किनारे गोलाकार होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घर में जो दर्पण है वो तो एकदम स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, सपाट है, तो वो समतल दर्पण है। लेकिन जिनके किनारे गोलाकार अर्थात पृष्ठ वक्र होते हैं, वक्र यानी गोल, कर्व जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, इस तरह के दर्पणों में हमें प्रतिबिंब एक विभिन्न आकृति की तरह दिखाई देता है। प्रतिबिंब की आकृति दर्पण के वक्र पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी जैसा उसका वक्र पृष्ठ भाग होगा, वो ऊपर उठा हुआ है या वो गहराई में गया हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं हम उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के पृष्ठीय को किसी खोखले गोले के भाग के समान हम मान सकते हैं। अपने रेफरेंस के लिए देखते हैं आगे। जैसे आपको दो शब्द मिलते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक, तो सिंपल शब्दों में तुम समझ लो, कड़ाही आप सीधी जब रखते हैं गैस पे तो आपको एक इस तरह से गहराई दिखाई देती है, तो ऐसा जो पृष्ठ भाग हो वो अवतल दर्पण है। और उसी कड़ाही को मैं उल्टा रख दूं, ठीक, या अपने सर पे रख लूं, तो उसको मैं कहूंगा उत्तल दर्पण, क्योंकि वो उभरा हुआ है। तो जो उभरा हुआ है पृष्ठ भाग वो उत्तल दर्पण, और जो गहरा हुआ है उसको मैं क्या कहूंगा, अवतल दर्पण। दोनों मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में, यहाँ आपको सिर्फ दो नाम समझने हैं। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर या कॉनकेव सरफेस आप कह सकते हो, दर्पण है इसलिए मिरर ही कहोगे, और उत्तल दर्पण को आप कॉनकेव मिरर कह सकते हो। दो शब्द और हैं इसमें, अभिसारी और अपसारी। अभी आप समझोगे कि कौन प्रकाश को फैला सकता है और कौन प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित कर सकता है, ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और उसके हिसाब से इनका नामकरण किया गया है। अवतल दर्पण, सबसे पहले हम देख रहे हैं अवतल दर्पण। बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि उत्तल क्या है, अवतल क्या है। ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सीधी कढ़ाई मैंने रख दी गैस पे, तो अनु आपने हाथ उठाया है, मैं बाद में आपको मौका दूंगा प्रश्न पूछने का। ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसे होते हैं, वक्रित होते हैं, उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इनके बाहरी भाग पर परावर्तक आवरण चांदी अथवा एल्युमिनियम की परत लगाने के बाद रंग भी कर दिया जाता है। अब तुम कहोगे ये क्या है? तुम देखो कि जो घर पे समतल दर्पण है, अगर कभी गलती से वो टूट जाता है तो तुम देखते हो उसके पीछे एक लेप लगाया हुआ है। ठीक, सेम उसी तरह से जो पृष्ठभाग हमें उपयोगी नहीं है उस तरफ आप देखो, यानी समतल दर्पण के पीछे साइड, तो आपको जिस तरह का एक आवरण दिखाई देता है, सेम वैसे यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये अवतल दर्पण है तो सीधी सी बात है कि हमें जो गहरा वाला भाग है वो हमें चाहिए, तो उसके पीछे ये क्या करेंगे, एक चांदी का आवरण अथवा एल्युमिनियम की परत लगा दी, लेकिन बाद रंग भी लगा देते हैं। जिस पृष्ठ के अंदर पॉलिश नहीं हो वो अवतल दर्पण है, सीधी सी बात है, लाइट कहाँ आएगी, लाइट आएगी तो अवतल पे आएगी यानी गहराई में आएगी। ठीक, तो उसके पीछे क्या लगा हुआ है, रंग लगा हुआ है इस तरह से। तो जिसके अंदर पॉलिश नहीं हो वो अवतल है, और जिसके बाहर पॉलिश नहीं हो वो उत्तल है। देखते हैं उत्तल दर्पण। ऐसे गोलीय पृष्ठ जिनके बाहरी भाग दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लिया जाता है उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसके लिए वक्र पृष्ठ के अंदर की सतह पर परावर्तक आवरण की परत लगाने के बाद रंग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें काम कौन सा आने वाला है, बाहर वाला सरफेस काम में आने वाला है, जो उठा हुआ है, जो उभरा हुआ है, काम वो आने वाला है, तो अंदर हमने क्या कर दिया, पेंट लगा दिया, यानी हमने उसे रंग लगा दिया है। जिस पृष्ठ के ऊपर पॉलिश नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस थे। अब मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, कहाँ आप देखते हो, देखो आपको दो अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, एक चम्मच की, सीधा चम्मच रखा गया है, एक उल्टा चम्मच। आपको गहराई दिखाई दे रही है पहले वाले में, ठीक, कॉनकेव यानी अवतल, और कॉन्वेक्स जो है वो क्या है, उत्तल है। यानी कि जब आप उल्टा चम्मच रख रहे हो तो आपको जो प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है, ठीक, एक व्यक्ति या एक बच्चे का ये जो इमेज इस पे बन रही है, आप उसको देख रहे हो कि दोनों अलग अलग हैं। यही हमें इस पे देखना है कि जो प्रतिबिंब है वो उत्तल पे अलग बनेगा और अवतल पे अलग बनेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, सीधा चम्मच है, गहरा हमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अवतल, और जब ये उथला होगा, जब ये उभरा होगा, तब हम क्या कहेंगे, उत्तल। ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा।
उपयोग के तौर पे भी आप देख सकते हो कि कुछ लोग दाढ़ी बनाने के लिए कॉनकेव और बिल्डिंग्स में पार्किंग वगैरह के लिए बिल्डिंग के गेट के बाहर इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी उत्तल और अवतल क्या है, ये आप भी नोटिस कीजिएगा। अब इनके नियम दिए गए हैं, तीन नियम देखिए जैसा कि आप देख रहे हो। यदि आपतित किरण, अच्छा इसके पहले आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें कि मुख्य अक्ष क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है, तो पहले मैं आपको वो परिभाषाएं बता देता हूँ फिर इस पे आता हूँ। जैसा आप देख रहे हो कि एक ग्लास है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये गोले का एक भाग है जो डार्क ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और यह जो डार्क लाइन ड्रॉ की गई है आप देख रहे हो कि इसका एक साइड पेंट किया गया है जिसको हमने ऐसे डैश डैश दिखाया है और एक तरफ पेंट नहीं किया गया है, ठीक। तो और लिखा है हॉलो ग्लास यानी एक खोखले गोले का ये भाग है। अब यहाँ देखिए आप सी लिखा है, आर लिखा है, पी लिखा है, प्रिंसिपल एक्सिस लिखा है, एम लिखा है, क्या है ये सब देखते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, यहाँ गोलीय दर्पण संबंधित कुछ राशियों और परिभाषाओं के बारे में दिया हुआ है, हम इसके बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। वक्रता केंद्र, तो ये जो दर्पण हमारे सामने है इस दर्पण को अगर हम एक खोखले गोले का भाग मान लें तो अगर मैं डैश 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 करके इसका पूरा गोला अगर बना देता हूँ जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है आप देख रहे हो यहाँ तक, ठीक। तो ये जो गोला बनाया गया है इसका मतलब है कि एक आभासी चित्र बनाया गया है आपको कि इतना ही बड़ा है ये जो डार्क लाइन है बस उतना ही बड़ा लेंस है लेकिन ये एक खोखले गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले के केंद्र की वक्रता को केंद्र कहा जाता है। तो यही है वक्रता केंद्र सी और ये है अपना लेंस, ठीक, और ये है वो खोखला गोला जो पूरा सर्कल अगर मैं कंप्लीट करूं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आके खत्म होगा, ठीक। तो हम मान के चलते हैं कि ये खोखला गोला था जिसका ये M से लेके M डैश तक यानी उत्तल या अवतल लेंस जो भी आप ले लो, यहाँ पर कोई भी एक लेंस आप ले सकते हो क्योंकि हम गोली दर्पण की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप उत्तल ही कहो। तो यहाँ पर C जो है ये क्या है, वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या क्या है, सर ये C से लेके P तक या फिर C से लेके कोई भी एक जगह आप पहुँच जाओ यानी परिधि में तो हम उसे कहेंगे कि ये वक्रता त्रिज्या है। और आप जानते हो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर डाला हुआ कोई भी एक दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। गोली दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक मुख्य अक्ष है एक मुख्य नाभि है, दोनों हम देखते हैं। यहाँ पर हमें एक लेंस दिखाई दे रहा है यानी कि हमें दर्पण दिखाई दे रहा है, गोलीय दर्पण, और इस गोलीय दर्पण में कुछ बिंदु दिए गए हैं सी एफ पी। सी तो आप जानते ही हो, सी क्या है, वक्रता केंद्र, सी पी मैं कह सकता हूँ त्रिज्या होगी, लेकिन पी क्या है, जो हमारा लेंस है जो हमारा दर्पण है उस दर्पण में जो मध्य बिंदु है यहाँ आप देख रहे हो पी, ये इस दर्पण का मध्य बिंदु है तो इसे हम कहते हैं ध्रुव, क्या कहेंगे, ध्रुव। अब एक और पॉइंट आपको दिख रहा है एफ, क्या है ये, मुख्य नाभि है, ये मुख्य नाभि। तो प्रकाश लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या मुख्य अक्ष को काटते हैं उसे हम कहते हैं मुख्य नाभि। तो आप सिंपल समझ लो कि ये जो लाइन बीच में है ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक, और ये पी पॉइंट क्या है, ध्रुव, और ये क्या है, वक्रता केंद्र, और ये क्या है, मुख्य नाभि एफ। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा को दर्पण के मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष आपको समझ में आ गया, मुख्य नाभि आपको पता चल गया। तो ये जो सीधी रेखा है ये मुख्य अक्ष है, उसी पर एक बिंदु है सी और एक है एफ, सी को आप जानते हो वक्रता केंद्र, एफ आप जानते हो मुख्य नाभि। देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद
वो मुख्य अक्ष पर जहाँ यानी कि कट करती है उसे हम कहते हैं मुख्य नाभि। देखते हैं आगे। नाभ्यांतर क्या है? किसी भी दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे प्राय हम एफ से व्यक्त करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण के लिए हमेशा ऋणात्मक होती है। तो आगे जब आप संख्यात्मक प्रश्न हल करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप नाभ्यांतर निकाल रहे हैं जिसको हम फोकस मुख्य फोकस की मध्य दूरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जब भी आप ये वैल्यू निकालोगे, अगर उत्तल दर्पण आपने लिया है तो पॉजिटिव कंसिडरेशन करेंगे आप, और अगर आपने अवतल लिया है तो ऋणात्मक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अगर मुझे प्राप्त करने हैं, मैं एक अवतल दर्पण यूज कर रहा हूँ और मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को उसके सामने रख रहा हूँ, तो किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेंगे? जब बिंब ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर देखिए एम एन ये आपका लेंस है, पी उसका ध्रुव है, और आपको एफ दिखाई दे रहा है, आपको सी दिखाई दे रहा है, आपको सी पी नाम की जो लाइन है वो आपको मुख्य अक्ष दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने बहुत दूर रखा है लेंस से, बहुत दूर रखा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? एफ पर बन रहा है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। देखते हैं, अनंत पर स्थित बिंब से आती हुई किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। इस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं जो मैं भूल गया, ये वाला पॉइंट अपना, यस, यहाँ पे जो तीन नियम थे तो आपको और क्लियर होगा। कोई भी गोलीय दर्पण हो, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जैसा आप पहले चित्र में देख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन है, ये देखिए, ये आपतित किरण है, ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के। ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर है आपतित किरण, ब्लू आपतित किरण, और जो थोड़ी बैंगनी है ये परावर्तित किरण है, ठीक। तो बताया जा रहा है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है, यानी जब जब ये समांतर, ठीक, तब तब ये कहाँ काटने वाली है? एफ पे, मुख्य नाभि पर, ठीक। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हो दूसरा नियम, यदि आपतित किरण मुख्य नाभि से होकर जाती है, अगर आपतित किरण कहाँ से गई? मुख्य नाभि से, यानी एफ से, तो आगे चल के वो टकराते ही क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, ठीक, ये आप देख रहे हो। तो यहाँ समांतर दूरी बन रही है, और यानी ये दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत नियम बता रहे हैं आपको। समांतर होंगे तो मुख्य नाभि पर काटेंगे, और अगर मुख्य नाभि से गुजर रहे हैं तो समांतर हो जाएंगे। आपतित किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो जैसी गई है ठीक वैसे ही वापस भी आने वाली है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये टकराई, और फिर टकराने के बाद एकदम उसी मार्ग से वापस, ठीक, तो कोई भी विचलन नहीं हो रहा है। ये तीन नियम थे, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो उसी मार्ग से वापस आती है। अब ये तीनों कहाँ काम आएंगे आपको? जब आप ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को अवतल दर्पण के आसपास रखोगे तो यही तीनों बार बार आपको हर चित्र में लगेंगे, यही तीनों नियम से आगे प्रकाश का गमन होगा। देखते हैं आगे। यहाँ थे हम, देखिए हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ही अनंत दूरी पर रख दिया है, इससे क्या हो रहा है? अनंत पर स्थित जो वस्तु है जिसको हम बिंब कह रहे हैं, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। बिंब यानी वस्तु और प्रतिबिंब यानी जो उसकी इमेज बनेगी वो, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर अभिसरित होती हैं। तो आप देख रहे हो कि मुख्य अक्ष यानी मुख्य नाभि जो है हमारी, उसके लिए एक शब्द यूज किया गया है मुख्य फोकस, वहां पर एफ पर आकर जमा हो रही हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, चूंकि बिंब से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर अभिसरित होती हैं, अतः प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, यानी एफ पर बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो बहुत ही छोटा बनेगा, लगभग बिंदु के आकार का। हम देख रहे हैं एफ बिंदु पर छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा बिंदु के आकार का, और प्रतिबिंब की क्या होगी? प्रकृति कुछ ऐसी होगी कि वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं जब हम वस्तु को अवतल दर्पण से बहुत ही दूरी पर रखते हैं, तब बहुत ही ज्यादा दूरी पर रखते हैं, अनंत दूरी पर रखते हैं तब। दूसरा देखते हैं, जब बिंब वक्रता केंद्र से परे हो, तुम देख रहे हो कि जो हमारा ए बी है वो हमारी वस्तु है, और हमने उसको सी के भी पीछे रखा है, सी से भी पीछे रखा है, ठीक।
तो अब तक अनंत दूरी थी, अनंत दूरी से थोड़ा और नजदीक आ गया और हम कह रहे हैं कि वक्रता केंद्र से परे है। तो जब बिंब वक्रता केंद्र से परे हो तब कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब? तुम देख रहे हो बी डैश ए डैश जो कि बीच में है, ठीक एफ के बाजू में, तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक, और छोटा भी बन रहा है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें? प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, बिंब छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि जब बिंब एकदम दूर था तो कहाँ बना? एफ पर बना। जब थोड़ा नज़दीक ला रहे हैं यानी सी से परे रख रहे हैं तब ये सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा देखते हैं, बिंब ऑब्जेक्ट के वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर स्थित है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखो जब बिंब ऑब्जेक्ट की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही अवतल दर्पण द्वारा एक उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। देख रहे हैं हम, जितना बड़ा ए बी है उतना ही बड़ा बी डैश ए डैश है। जैसा कि मैं आपको फिर से मार्क करके दिखाता हूँ, ये है अपने ए बी की हाइट और ये है अपने ए डैश बी डैश की हाइट, सेम बस उल्टा बना है, ठीक। तो यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर सी पर ही बनेगा। अगर सी पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, और यही चीज़ वहाँ पर दी गई है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये चीज़ें हमें इस तरह से आपसे याद रखनी है। आपके टेक्स्ट बुक में इमेजेस नहीं लेकिन एक चार्ट दिया हुआ है तो आप उसके द्वारा भी उसको याद कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये चीज़ होगी। देखिए चौथा है कि जब बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा हो तब, यानी और नज़दीक आ रहा है अब ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यानी कि जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? तो देखिए वक्रता केंद्र से परे प्रतिबिंब बनाया जाता है। बिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र से परे, यानी अब जितना नज़दीक ला रहे हो तुम, ये देखो यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है छोटा सा, दिखाता हूँ आपको। अब आप और आगे आगे ऑब्जेक्ट को लेकर, और आप देख रहे हो कि जो प्रतिबिंब है वो और पीछे और नीचे जा रहा है, ठीक, यानी वक्रता केंद्र जो सी है उससे भी परे जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, और प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र से परे होगी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो वास्तविक और उल्टी होगी। आगे देखते हैं सेकेंड लास्ट, जब बिंब फोकस पर हो यानी एफ पर ही हमने वस्तु को रख दिया है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमने वस्तु को कहाँ रख दिया है? एफ पर ही रख दिया है, ठीक। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सर प्रतिबिंब तो बहुत दूर जाएगा, बता भी नहीं पा रहे हैं अभी तक हम, क्यों? क्योंकि अनंत दूरी पर जा रहा है, यानी जितना हम मिरर से नज़दीक लाते जा रहे हैं उतना ही बड़ा और दूर प्रतिबिंब बनता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब है वो अनंत दूरी पर बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद लास्ट, बिंब के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच होने की स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जब बिंब अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव पी के बीच स्थित हो, यानी अब और नज़दीक आ गए हैं, अब बता रहे हैं एफ और पी के बीच में हमने वस्तु को रखा है, हमने वस्तु को और आगे रख दिया, ये एफ था, ये सी था और ये पी था, हमने और आगे लिया। अभी इसके पहले हमने एफ पे रखा था, अब हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ पर रख रहे हैं हम वस्तु को, यानी एफ और पी के मध्य में, पी ध्रुव है, एफ मुख्य नाभि है, यानी हमने दर्पण के और नजदीक लाया जब वस्तु को तो क्या हुआ? तब दर्पण के पीछे बनने लगा प्रतिबिंब। अब तक क्या हो रहा था? यहाँ बन रहा था प्रतिबिंब, अब क्या हो रहा है? अब इस तरफ बन रहा है, ये पहली बार हो रहा है। देखो के बीच होने की स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे बनेगी, जो साइज है वो बहुत ही बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा होगा। तुम देख रहे हो ये भी सीधा था, यानी कि कार्तिकीय रूढ़ी के हिसाब से मुख्य अक्ष के ऊपर था और ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि आभासी और सीधा होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चार्ट रूप में आपके बुक में दी गई हैं, इसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो।
आपको कुछ वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियरेंस मिलेगा कि क्या है ये। एक रबर की गेंद एक छोटे गोले की तरह है। जब आप इस गेंद के एक हिस्से को काटते हैं तो आप क्या देखते हैं? ठीक सोचा आपने, आप एक घुमावदार वृत्ताकार तल देखते हैं। कटे हुए टुकड़े की भीतरी सतह को अवतल कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल क्या है और उत्तल क्या है। जो भाग उभरा हुआ है वो क्या है? उत्तल। और जो भाग गहरा है वो क्या है? अवतल। तो ये चीज़ें हैं। और इस पूरे गोले को जो हमने काटा, कुछ ऐसा ही आप दर्पण के लिए समझ सकते हो कि दर्पण भी एक पूर्ण खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है। और बाहरी सतह को उत्तल कहा जाता है। किसी अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की तरफ मुड़ी होती है। इस वक्राकार सतह के विपरीत भाग पर किसी परावर्तक पदार्थ जैसे कि चांदी का लेपन रहता है, जिससे आंतरिक सतह एक दर्पण की भांति हो जाती है। चूंकि अवतल दर्पण वास्तव में किसी बड़े गोले से कटा एक भाग होता है, इसका एक वक्रता केंद्र होता है जो मूल गोले के केंद्र पर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र चित्र में अंग्रेजी के अक्षर सी द्वारा दर्शाया गया है। गोले के केंद्र से दर्पण के मध्य बिंदु होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। ओ वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष दर्पण पर मिलती है। इसे दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। हमारे एक्सप्लेनेशन में ये जो ओ है वो पी था। आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो ध्रुव यानी पी दिया हुआ है, तो जहां ये ओ ले रहे हैं आप पी समझिएगा। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या के नाम से जाना जाता है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य फोकस को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यह दर्पण के सामने वह बिंदु होता। आप हमेशा याद रख सकते हो कि परावर्तन के पश्चात अवतल अथवा उत्तल दर्पण से जब भी लाइट टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जहां वो काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य नाभि। ता है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एकत्र हो जाती हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, वस्तु से अवतल दर्पण तक पहुंचने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी तथा प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा है। यदि वस्तु ए बी वक्रता केंद्र सी से दूर स्थित है तो दर्पण से परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। यह प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा है। यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित है तो दर्पण से परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। प्रतिबिंब भी बिंदु सी पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर है। यदि एक वस्तु सी और एफ के बीच स्थित है
तो दर्पण से परावर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यह प्रतिबिंब बिंदु सी से दूर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा है। यदि वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो दर्पण से परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं, जो कभी नहीं मिलती। अतः एक वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि वस्तु मुख्य फोकस F और ध्रुव P के बीच स्थित है तो परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर जाती हैं और कभी नहीं मिलती। उनको पीछे विस्तारित करने पर वे दर्पण के पीछे बिंदु A' पर प्रतिच्छेदित करती प्रतीत होती हैं। क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिलती, इसलिए बना हुआ प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। यह एक आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब है। बच्चों, ये था प्रकाश का परावर्तन। और अब मैं चाहूंगा कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो। धीरज सर, सर आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब, जैसे आप देखते हो कि मैं एक अंधेरे कमरे की तरफ गया और किसी ने टॉर्च मारा और मुझ पर नहीं है वो टॉर्च, कहीं और है, लेकिन मेरी एक छाया कहीं और बनी। तो ये जो मेरी छाया बन रही है, ये एक तरह से आभासी प्रतिबिंब है। वो हो सकता है बहुत बड़ी हो सकता है बहुत छोटी हो। और तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गाँव में तुम देखते हो हर जगह लाइट नहीं है अगर, और तुम रास्ते से आ रहे हो, गाड़ियाँ अगर तुम्हारे पीछे चल रही हैं, तो उनकी जो पावरफुल लाइट जब निकलती है तो तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी परछाई चल रही है और काफ़ी बड़ी बन रही है, और फिर धीरे धीरे वो छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है और फिर गायब हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी तुमसे कितनी दूरी पर है। तो जो तुम्हारी छाया बन रही है वो क्या है? आभासी प्रतिबिंब। थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी आपने जो तीन नियम बताया सर, कोई भी लाइट रहेगी ऐसे ही परावर्तन होगी इसी तीन नियम के अनुसार ना? जी जी जी, अगर आप गोलीय दर्पण अर्थात उत्तल अथवा अवतल दर्पण की बात करें तो हमेशा यही तीन नियम लगेंगे। आपने ये जो ए बी सी डी ई एफ आपने देखा, अभी ई तक आपने देखा, अलग अलग आपने सब में देखा होगा कि जो प्रकाश की किरण का गमन है, अगर वो समांतर है तो वो मुख्य नाभि पे कट रहा है, अगर वो मुख्य नाभि से गया हुआ है तो वो समांतर जाएगा, और तीसरा था कि अगर वो वक्रता केंद्र से यानी पास हुई है तो उसी दिशा में वापस जाएगी। यानी कोई भी चित्र ऐसा नहीं है जो इन तीनों नियम से परे हो। तो हर एक चित्र में आप यही देखोगे कि यही तीन नियम फॉलो होते हैं। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर परावर्तित प्रतिबिंब क्या होता? परावर्तित प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, परावर्तित प्रतिबिंब। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बॉल का एग्जांपल दिया था कि बॉल जमीन पे गिरी और फिर वो वापस आई, उसी हिसाब से ये जो प्रकाश किरण होती है, ये जब भी किसी सरफेस से टकराती है, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक लाइट है आई, ठीक, इस तरह से यहाँ पर वो यानी इससे टकराई और फिर यहाँ से वापस गई, तो इसका वापस जाना जो इसका गमन है वही परावर्तन कहलाता है। परावर्तित प्रतिबिंब क्या है? आपने देखा होगा कि कोई वस्तु एक जगह रखी हुई है जिसको हमने बिंब कहा था, ठीक, और फिर उसकी छाया छोटी अथवा बड़ी बनी, तो जो उसकी छाया बनी है, जो उसकी इमेज बनी है, वही परावर्तित प्रतिबिंब है। परावर्तन के पश्चात वो बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, सेम साइज भी बन सकती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। तीन नियम अभी हमने बताए, और तीन नियम वही थे कि यदि गोलीय दर्पण आप यूज कर रहे हो
तो अगर आपकी जो प्रकाश की किरणें हैं वो अगर समांतर हैं तो वो मुख्य नाभि से होकर गुजरेंगी, अगर वो मुख्य नाभि से गुजर रही हैं तो वो समांतर होकर जाएंगी, और अगर वो वक्रता केंद्र से पास हो रही हैं तो वो ठीक वहीं से बिना विचलन के वापस चली जाएंगी। यही प्रकाश के तीन नियम के परावर्तन। दर्पण का प्रकार लिखिए। दर्पण का बच्चा आप किसी क्वेश्चन पेपर में से पूछ रहे हो क्या लिखने के लिए? सर ये मैंने लिखा है उत्तर, सर आप बताइए। आपको कहीं कोई वर्कशीट भरनी है क्या? आप मुझसे पूछ के लिख रहे हो? आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए जो मैंने आपको पढ़ाया। कोई चीज आपको समझी हो नहीं समझी, सर बताइए। एग्जांपल नहीं समझो क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर समतल दर्पण क्या है? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर में जिस आईने में हम अपनी शक्ल देखते हैं वो एक समतल दर्पण है, जिसका पीछे की ओर एक विलेपन किया गया होता है और ये एकदम समतल पृष्ठभाग होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक प्रकार की तरंग है, एक प्रकार की किरण है, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश से निकलने वाली एक किरण है। और कुछ? सर मुख्य नाभि किसे कहते हैं? मुख्य नाभि, अभी आपने चित्र में देखा था कि F एक पॉइंट था C और P के बीच में। C क्या था? वक्रता केंद्र। मैं दिखा देता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। C और P के बीच में जो एक पॉइंट था उसको हम कहते हैं F, और वही थी मुख्य नाभि। मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ, कोई भी चित्र आप ले लीजिए, यही चित्र आप ले लीजिए। तो इसको भी आपको परिभाषा, देखिए यह है C वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव, इसके बीच में ये है नाभि। जी तो सर इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे? परिभाषा भी दी हुई है आपकी किताब में, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो मध्य बिंदु है जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आकर मिलती हैं मुख्य अक्ष को, उसे मुख्य नाभि कहते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं स्क्रीन शेयर पे अभी टेक्स्ट बुक डाल दूंगा और उसमें पेज नंबर 119 से 122 के बीच में ये सारी चीजें दी हुई हैं। आप चाहें तो आप अपने पाठ्यपुस्तक की आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, पाठ्यपुस्तक में भी देख सकते हैं ये सारी। तो बच्चों ये हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, शायद एक भाग हो चुका था तो मैंने बीच से स्टार्ट किया है सेकेंड पार्ट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और सभी जो इस ग्रह पर जितना भी हम जीवन देख रहे हैं इस जीवन का मुख्य कारण है। सन इज द अल्टीमेट एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी अगर मैं कहूँ तो दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सबसे बड़ा है या सभी एनर्जीज का मेन है। और एज पर थर्मोडायनेमिक्स जो हम जानते हैं एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में यानी कन्वर्ट हो रही है और इन्हीं से हमारा सर्वाइवल है, इसी से हमारा अस्तित्व है। और ये है प्रकाश, हम इसके आगे आने वाले जो घटक होंगे उनको भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।